बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, होम क्वारंटीन प्रिकॉशंस। क्योंकि मैं आहार पोषण विशेषज्ञ हूँ, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चार पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्लीनलीनेस, क्लीन एनवायरनमेंट, सेल्फ बॉडी हाइजीन। सेल्फ बॉडी हाइजीन में नॉट ओनली योर हैंड हाइजीन, योर ओरल हाइजीन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में भी जब हमको फीवर आता है तो हमको थ्रोट में इन्फेक्शन आता है, तो अगर हम अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे, गुनगुने पानी, हमने नमक के गुनगुने पानी के गागल कर लिए या बीटाडीन गागल कर लिया, तो उससे हम अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, किसी भी इन्फेक्शन को हम गले से ही दूर भगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि आप टूथब्रश प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, टूथब्रशिंग के साथ साथ आपका टंग क्लीनिंग प्रोसेस आप लोग बराबर करते हैं कि नहीं, ध्यान रखिए, क्योंकि टंग पर हमारी टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो एक्टिव रहनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जब हम खाना खाते हैं तो ध्यान से खाना चबा चबा कर खाइए, च्यू वेल योर फूड, क्योंकि उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हमारे लोअर जॉ के साइड में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, जिनमें से एक सलाइवा निकलता है, जो सलाइवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालता है, और ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम हमारा डाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस है, और इस स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। तो अगर ये आपके खाने के साथ मिक्स नहीं हुआ, जो आपने च्यूड फूड खाया है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलस बोलते हैं, अगर उसके साथ अगर ये मिक्स नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में इनडाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, और उसमें आपको सिम्टम आएंगे, एसिडिटी आएगा, कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग, ब्लोटिंग, गैस। द मोमेंट आपकी बॉडी में एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बर्पिंग, ब्लोटिंग, गैस की शुरुआत होगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी, फिजिकली आप डिस्टर्ब फील करेंगे। एंड द मोमेंट आप फिजिकली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर एंजाइटी आ जाएगी, आप एंशियस फील करेंगे, इरिटेटिंग फील करेंगे, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा, जिसमें कि आपकी साइकोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब होएगी। तो होम क्वारंटीन के दौरान हमको अपनी फिजिकल, हमारी बायोलॉजिकल, हमारी मेंटल, हमारी साइकोलॉजिकल क्लॉक को बहुत अच्छे से फिट एंड हेल्दी रखना है।